Hello students, I am Akriti Shiwasa, an assistant professor in Dayal Group of Institution. Today we are going to start a new topic that is fund and fee based services of subject financial services. This video is relevant for BBA third year, so let's start. We are talking about fund and fee based services. These terms typically related to banking sector. मतलब आपकी जो बैंकिंग एक्टिविटीज होती हैं ये फंड एंड फी बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं द रिवेन्यू दैट बैंक्स गेट आउट ऑफ देयर लेंडिंग एक्टिविटी इज़ फंड बेस्ड इनकम फॉर एग्जाम्पल देखिए जैसे जो भी अमाउंट किसी डिपॉजिटर ने बैंक में सबमिट किया है तो उसी के अमाउंट को वो किसी को लेंड कर देती है हाई इंटरेस्ट रेट पे। तो जो इनकम जनरेट होती है इंटरेस्ट मार्जिन से वो फंड बेस्ड इनकम कहलाता है ठीक है तो दिस इज़ वेरी क्लियर कि जो भी एक्टिविटी हो रही है वो बैंक में हो रही है तो इसीलिए ये जो रिलेटेड है इसका जो रिलेशन है वो बैंक एक्टिविटीज से है ऑन द फ्लिप साइड अगर हम फी बेस्ड इनकम्स की बात करें तो ये बेसिकली फी बेस्ड होता है ये जो चार्ज होता है जैसे कि म्यूचुअल फंड सेल करते हैं और इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है अपने कस्टमर को सेल करने पर इनसे जो फीस मिलती है वो दैट इज द फी बेस्ड सर्विसेज अब हम स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस वाइज सो नंबर वन इज फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या होता है दो जो जो भी इंटरेस्ट होता है डिपॉजिट होता है फिक्स डिपॉजिट जो आप बैंक में जमा करते हैं उसी को ये जब बोरोवर्स को देती हैं लेंड करती हैं अपने मनी को तो जो बीच का इंटरेस्ट रेट होता है उसी को इनका फंड बेस्ड इनकम कहते हैं ये बेसिकली जो है वो कई टाइप्स के हैं तो कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे जो डे टू डे लाइफ में हम फंड बेस्ड इनकम के देख रहे हैं नंबर वन इज इक्विपमेंट लीजिंग इक्विपमेंट लीजिंग का क्या मतलब है जैसे हमने कोई भी व्हीकल है मशीनरी है कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है वो हमने लीज पर लिया और उसको हमने यूटिलाइज किया लीज पर लेने का मतलब है ऑप्टेनिंग द यूज ऑफ मशीनरी व्हीकल्स और अदर इक्विपमेंट ऑन अ रेंटल बेसिस रेंट पर लिया रेंट पर लेकर के हम उसको यूज कर रहे हैं दैट इज इक्विपमेंट लीजिंग तो इससे जो इनकम जनरेट होती है दैट विल बी फंड बेस्ड इनकम नेक्स्ट वन इज हायर पर्चेज हायर पर्चेज क्या है हायर पर्चेज में जो भी इनकम आपकी आ, आपने क्या की इंस्टॉलमेंट प्रोसेस में दी जैसे मान लीजिए आपको कुछ चाहिए कोई इक्विपमेंट चाहिए आपने उसका डाउन पेमेंट करके उसको ले लिया अब आप उसको यूज़ कर रहे हैं अब जब तक आपका वो इंस्टॉलमेंट टाइम टू टाइम जो आप पे कर रहे हैं वो कंप्लीट नहीं होता आप उसके ओनर नहीं होते लेकिन आप उसको यूज़ कर सकते हैं तो इसके थ्रू भी जो इंटरेस्ट और इनकम जनरेट हो रही है दैट इज़ फंड बेस्ड इनकम नेक्स्ट इज बिल डिस्काउंटिंग इट इज अ ट्रेड एक्टिविटी ट्रेड एक्टिविटी का मतलब है इसमें द सेलर गेट्स द अमाउंट इन एडवांस एट डिस्काउंटेड रेट फ्रॉम द लेंडर यहाँ पे क्या होता है सेलर को डिस्काउंटेड रेट पे अमाउंट मिल जाता है लेंडर से नेक्स्ट इज अकाउंट रिसिवेबल फाइनेंसिंग इट इज अ मेथड ऑफ सेलिंग रिसिवेबल्स इन ऑर्डर टू ऑपटेन कैश फॉर कंपनी ऑपरेशन कंपनी ऑपरेशन के लिए जो रिसीवेबल्स सेल uh, होते हैं दैट इज अकाउंट रिसीवेबल फाइनेंसिंग नेक्स्ट इज वेंचर कैपिटल वेंचर कैपिटल एक्चुअली अर्ली स्टेज पर दिया जाता है इसमें क्या होता है कि जो हाई प्रोडक्ट्स वैल्यू होती हैं और जिस uh, कंपनी के स्टार्टअप की ग्रोथ बहुत हाई होती है उसमें ये प्रोवाइड होता है हाई रिस्क भी होता है इसमें सो वेंचर कैपिटल इज़ अ फाइनेंशियल कैपिटल प्रोवाइडेड टू अर्ली स्टेज हाई पोटेंशियल हाई रिस्क ग्रोथ स्टार्टअप कंपनीज नेक्स्ट इज हाउसिंग फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस की भी किसी भी इंडिविजुअल या बिजनेस को प्रोवाइड किया जाता है जो हाउस और फ्लैट या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटी होती है उनके लिए आप लोगों को पता ही होगा एच डी एफ सी बैंक वगैरह ये सब हाउसिंग फाइनेंस ही तो देते हैं नेक्स्ट इज इंश्योरेंस सर्विसेज इंश्योरेंस इज अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन विच द इंश्योर्ड ट्रांसफर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर पोटेंशियल रिस्क इसमें क्या होता है कि भाई इंश्योरेंस सर्विसेज में हम जो जो लोग इंश्योरेंस कराते हैं वो क्या करते हैं भाई पोटेंशियल रिस्क के लिए जो इनकम या प्रीमियम भरते हैं वो उन बैंक्स में या उन जो कॉरपोरेट सेक्टर्स हैं जहाँ भी आप भर रहे हैं जिस जिधर भी फिनेंशियल सर्विसेज में आप पे कर रहे हैं उनके पास जाता है और वो फिर आपको जो वहाँ से इनकम जनरेट होती है वही इनकम फंड बेस्ड सिस्टम के लिए होती है मतलब फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज में आती है नेक्स्ट अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे दैट इज फी बेस्ड सर्विसेज फी बेस्ड सर्विसेज में क्या है अब इसमें मैंने बताया था इसमें बेसिकली फी बेस्ड सारी सर्विसेज होती हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं है इसमें बहुत कम रिस्क होता है फ़ंड बेस में आपने देखा जैसे बहुत ही हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है लेकिन फी बेज में हाई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है लेकिन इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सपर्टाइज इसमें जहाँ भी आप यूज़ कर रहे हैं इन सर्विसेज को इसमें एक्सपर्टाइज़ की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि ज़रा सी लापरवाही फिर वो लॉस में ले जा सकती है सो नंबर वन हम इस एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे दैट इज़ अ कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज में क्या क्या आता है बैंक गारंटीज़ हैं मर्चेंट बैंकिंग है इशू मैनेजमेंट लोन सिंडिकेशन क्रेडिट रेटिंग स्टॉक ब्रोकिंग एंड कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग मर्चेंट बैंकिंग की अगर हम बात करें तो मर्चेंट बैंकिंग क्या है मर्चेंट बैंकिंग में एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी होता है जो क्या करता है हु हेल्प टू ट्रांसफर कैपिटल फ्रॉम दोज हु पोजिस इट टू दोज हु नीड इट जिसको जरूरत है उसको ट्रांसफर करता है दैट इज द मर्चेंट बैंकिंग अब मर्चेंट बैंकिंग में कुछ एक्टिविटीज हैं जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ कस्टमर सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोजेक्ट काउंसलिंग एंड अप्रेजल अंडर राइटिंग ऑफ शेयर लोन सिंडिकेशन एक्ट एज अ बैंकर फॉर द रिफंड ऑर्डर एक्सेट्रा नेक्स्ट हम आते हैं लोन सिंडिकेशन क्या है लोन सिंडिकेशन दैट इज प्रोवाइडेड बाई अ ग्रुप ऑफ लेंडर एक लेंडर का ग्रुप होता है इनके द्वारा इसे प्रोवाइड किया जाता है एंड इज अ स्ट्रक्चर अरेन्ज एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय वन और सेवरल कॉमर्शियल बैंक्स मतलब कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा इसका स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट होता है इसमें कुछ टर्म्स है नंबर वन सिमिलर टू कंसोर्टियम फाइनेंसिंग नंबर टू टेकन अप बाय मर्चेंट बैंकर एज अ लीड मैनेजर नंबर थ्री इट रिफर्स टू अ लोन अरेन्ज्ड बाय अ बैंक कॉल्ड लीड मैनेजर फॉर अ बोरोवर हु इज यूजली अ लार्ज कार्पोरेट कस्टमर याद रखिएगा ये टर्म लार्ज कॉर्पोरेट कस्टमर होना चाहिए और अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रेडिट रेटिंग की क्रेडिट रेटिंग क्या है इट इज एन एनालिसिस ऑफ क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट या एसोसिएटेड विथ अ फैंशियल इंस्ट्रूमेंट और अ फाइनेंशियल इंटाइटी इसमें क्या होता है ये एनालिसिस होता है जो क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड होते हैं किसी फाइनेंशियल इंटाइटी से तो उनका इसमें एनालिसिस किया जाता है और ये सर्विस भी फी बेस्ड सर्विस में आती है So, students, today we discussed how fund based services and fee based services are assisting in financial services. So, thank you, students. Keep learning. See you soon in the next lecture.